जयपुर में प्रदेश युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जिसमें न्याय यात्रा 2024 को लेकर अहम चर्चा की जा रही है। इस बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी मौजूद हैं। तो बैठक की जा रही है, न्याय यात्रा को लेकर चर्चा की जा रही है। तस्वीरें बैठक से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बैठक में मौजूद हैं। आपको बताते चले कि राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा किन किन मार्गों से होकर गुजरेगा, कैसे इस यात्रा को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसी को लेकर ये खास चर्चा की जा रही है, जहां पर कई खास मुद्दों पर भी चर्चा लगातार जारी है। 2024 को लेकर अहम चर्चा की जा रही है। मिशन 2024 यानी कि लोकतंत्र चुनाव को लेकर भी ये चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में किस तरीके से लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है यानी कि लोकसभा चुनाव, उसमें कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सके, क्योंकि राजस्थान में पिछले साल की अगर बात करें तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था, और ऐसे में कांग्रेस की कोशिश यह है कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सके। कि अब लोकसभा के चुनाव बहुत नजदीक है और 14 तारीख से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू हो रही है, और युवक कांग्रेस को भी जिम्मेदारी दी है राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने की। 15 लोकसभा क्षेत्र युवक कांग्रेस को स्पेशली फोकस करने के लिए दिया है। मुझे खुशी है कि बहुत जल्द ही पूनिया जी ने अपने साथियों को बुलाया है, यहाँ चर्चा करेंगे कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर किस रणनीति को लेकर युवक कांग्रेस के साथी हम सब मिलकर एक नई दिशा दें पार्टी के अभियान को। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लगातार। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पदभार ग्रहण करने के बाद विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में यूडीएच स्वायत्त शासन